फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बिहार बीपीएससी पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी मेंस दोनों के लिए, बिहार दरोगा के पीटी और मेंस दोनों के लिए, रेलवे और अन्य एसएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी का हम आपको करके दे रहे हैं। इसका रिविजन एक बार निश्चित तौर पर करें, आपका रिजल्ट जो है रिजल्ट के काफी नजदीक ये क्वेश्चन ले जाएगा। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं, तो आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज होगा। इसके अलावा आपसे प्रैक्टिस के तौर पर इसका सॉल्यूशन अगर सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीके जीएस और मजबूत होगा। तो इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को निश्चित ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही हम अपना पीडीएफ जो है वहां अवेलेबल करवा देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। और अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा। अगर ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी और क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, तो आप दूसरे के यहां भी इसे शेयर करके और इसे बढ़ावा दीजिएगा। ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हम आपको करके दे रहे हैं, जो प्रत्येक सब्जेक्ट से हम क्वेश्चनों की संख्या को रख के और 50 क्वेश्चन के रूप में इसे हम बांट देंगे। लेकिन आवश्यकता के अनुसार फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आगे जैसे एग्जाम शेड्यूल होगा तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ा देंगे। तो ऐसे स्थिति में भी फिलहाल 50 क्वेश्चन के इस सीरीज को आप रिवीजन करेंगे, सीरीज नंबर 72 है और पहले का सेट प्रैक्टिस भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, टैब की प्रयोग किस लिए किया जाता है। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर शब्द से संबंधित है। तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए और पैराग्राफ इंडेड करने के लिए, दोनों ही काम के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की देसी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देसी रियासतों के विलय करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, देसी रियासत को विलय करने के लिए यानी आपस में मिलाने के लिए दो महान व्यक्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है और दूसरा नाम आता है बीपी मेनन का। ध्यान देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए पटेल को लौह पुरुष की भी संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि आपस में सभी रियासतों को मिलाने का काम किया गया था इन्हीं के द्वारा। इन्हें एक और उपनाम से जाना जाता है जिनका नाम है भारत का बिस्मार्क, इन्हें कहा जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल 562 रियासत थे, जिसमें से 559 रियासत जो थे स्वतंत्रता के बाद, 562 रियासत थे। क्लियर। और इस 562 रियासत में 559 रियासत जो था वो रियासत अपने से खुद से विलय हो गया, आपस में मिल गया। लेकिन तीन रियासत जिसमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीन रियासत ऐसे थे, हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ जो हैदराबाद जूनागढ़ है, दूसरा जूनागढ़ रियासत और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर रियासत। ये तीनों रियासत जो था वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयास से, ध्यान देंगे कि हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के जरिए भारतीय रियासत में भारत में इसे मिला लिया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी जनता के मर्जी से जनमत संग्रह करके भारतीय राज्य में मिलाया गया, जबकि तीसरा जो था वो विलय पत्र, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के ही भारतीय राज्य में मिला लिया गया था। क्लियर। तो ये योगदान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तथा इनकी सहायता बीपी मेनन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है।
अब इस अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होंगे वो संसद के निर्वाचित, सबसे पहले याद रखेंगे केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, इसमें कहा गया है केवल निर्वाचित सदस्य ही होंगे, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। क्लियर, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, ये संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे, संसद कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जी नहीं, दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्य विधान मंडल के केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो हिस्सा लेंगे, तथा चौथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी में निर्वाचित आ रहा है एक बात, इसीलिए यहां पे लिख दिए केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, अनुच्छेद 54 में कहा गया है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो ऑप्शन बनता है आपका 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोधी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कितनी होती है? मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोधकता का मान जो होता है वो शुष्क स्थिति में अलग होता है और आर्द्र स्थिति में अलग होता है। तो यहां तो आपको ना तो शुष्क दिया है, अच्छा यहां पे दे दिया है शुष्क स्थिति में क्या होती है, तो शुष्क स्थिति में जो मानव का शरीर का रेसिस्टेंस होता है वो 10^5 ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन अगर आर्द्र स्थिति की बात करेंगे, आर्द्र स्थिति में, तो आर्द्र स्थिति में मानव शरीर का रेसिस्टेंस जो होता है वो 10^3 ओम होता है, 10^3 ओम होता है, या कहेंगे 1000 ओम होता है। क्लियर, यहां पे जरा ओम का साइन दे देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक है और दूसरा है कारण आर, आप ध्यान देंगे कौन सा कथन आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक शब्द भारत की संविधान में परिभाषित नहीं दी गई है, यानी इसकी परिभाषा नहीं किया गया है, बिल्कुल ही सही है। दूसरा है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अब जब भारत के संविधान में इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है, भारत के संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं है, तो संवैधानिक निकाय कहां से हुआ, अतः कारण आर भी जो है वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह संवैधानिक निकाय नहीं होने के कारण इसे परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि यह संविधान में चर्चा ही इसकी नहीं है, तो परिभाषा कहां से होगा। तो इसका आंसर बनेगा ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहां स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, ये मुजफ्फरपुर में सक्रिय आंदोलन में हिस्सा ली थी। शारदा कुमारी देवी महिला दर्पण नामक पत्रिका भी निकालती थी, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में, महिला दर्पण नामक समाचार पत्र या पत्रिका किसके द्वारा? शारदा कुमारी देवी के द्वारा निकाला जाता था, और ये मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता आंदोलनकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1922 ईस्वी में स्वयं सेविका दल का गठन किया था? तो यह गठन विंध्यवासिनी देवी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार की बहुरिया का मतलब क्या होता है? कन्या। तो बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, इनका जन्म कहां हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जन्म जो हुआ था वो कहलगांव भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। अब ध्यान दीजिएगा इनके बारे में, 1932 ईस्वी में गया में अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन का ये सफल संचालन किए थे।
तो ये भी आपको याद रखना है कि कहलगांव भागलपुर में इनका जन्म हुआ था और ये 1932 ईस्वी में गया में अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसका सफल संचालन करने का श्रेय जाता है राम स्वरूप देवी को। 1932 ईस्वी में गया में अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन, अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन का सफल संचालन किया था, सफल संचालन किया। क्वेश्चन कभी पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय नारी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, जिसका सफल संचालन करने का श्रेय राम स्वरूप देवी को जाता है, जिनका जन्म कहलगांव भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया है? तो भगत सिंह के समाधि के ठीक बगल में किया गया है बटुकेश्वर दत्त की, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त की यही इच्छा रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल या किस अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? 1951 से 1961 ईस्वी के काल को आगे की ओर एक बहुत बड़ी छलांग कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में मृत्यु दर में कमी आ गई थी, क्योंकि इस समय या इस स्टेज, इस एज में मृत्यु दर की कमी रही तथा जन्म दर में बहुत वृद्धि हुई। इस कारण से इस समय को, इस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों तथा उनसे संबंधित संघ को सुमेलित आपको करना है कि कौन सा संघ किससे सुमेलित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, केचुआ जो है वो एनेलिडा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है, मकड़ी जो है वो शामिल किया जाता है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत, सीप जो है वो शामिल किया जाता है मोलस्का संघ के अंतर्गत, जबकि मेढक कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, एक एक बारी बारी से अगर यदि जो देख लेते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑर्थोपोडा। ये ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत का। ऑर्थोपोडा केवल सुन लेंगे, लिखेंगे नहीं। ऑर्थोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इसमें लगभग 10 लाख जंतु शामिल होते हैं। इनका शरीर की बात किया जाए तो शरीर जो होता है वो सिर यानी हेड और बक्ष यानी थोरेक्स तथा उदर यानी एब्डोमेन में विभाजित होता है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें से सिर आता है, बक्ष आता है और उदर के रूप में बटा हुआ होता है। उदाहरण के रूप में केवल मकड़ी को नहीं शामिल किया जाता है, बल्कि केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर यानी कीट पतंग जो होता है वो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। दूसरा चलिए आते हैं मोलस्का। मोलस्का एक अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है। अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा संघ होता है। इसमें कोमल शरीर और कवच यानी सेल वाले जंतु जितने भी होंगे वो शामिल किए जाएंगे। इसके उदाहरण के रूप में ऑक्टोपस को भी शामिल किया जाता है और सीप को भी शामिल किया जाता है। तीसरा आता है एनेलिडा। एनेलिडा जो होता है उसकी ओर अगर ध्यान देते हैं तो ये खंड युक्त या इसी को कहेंगे बलय, रिंग्स जिसे कहा जाता है, इसके रिंग जैसे संरचना शरीर में पाया जाता है और ये एक लिंगी तथा उभय लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें से केचुआ शामिल किया जाता है। चौथा आता है कॉर्डेटा संघ। जीवों में शरीर के अंग तंत्र जो होते हैं, जितना भी तंत्र समूह होता है अंगों का, उसमें पूर्ण विकसित होता है और इसका जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु यानी डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर मेंढक, मछली और मनुष्य को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बनता है आपका मिलावट के अनुसार ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्ती लीफ जो होता है वो घट के रूप में शामिल किया जाता है। ये घटपर्णी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका एक और नाम निफेंथिस जो होता है वो कीट भक्षी पादप होते हैं, इसे निपेंथिस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे निपेंथिस, निपेंथिस भी इसे कहा जाता है, और इसका पत्ती ही पर्ण फलक यानी लेमिनेट जो होता है वो घट यानी पीचर या पीट फॉल ट्रैप के रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर है। अब इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम जो होता है शिकार करने के लिए कीट को पचाकर पादप को पोषण की आपूर्ति कर देता है। मुख्य रूप से घटपर्णी जो पीचर प्लांट होते हैं अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, प्रोटीन की पूर्ति के लिए वो कीटों को ग्रहण करते हैं, कीटों को खाते हैं। अब ध्यान दिया जाए, खास करके यह घटपर्णी जो होता है निफेंथिस प्रजाति के पौधे जो होते हैं वो ध्यान रखेंगे भारत के मेघालय राज्य में खासियाना नामक एक दुर्लभ प्राणी का घटपर्णी पौधा मेघालय में पाया जाता है। मेघालय राज्य में पाया जाता है खासियाना एक दुर्लभ प्रजाति होता है मेघालय में, जो कि घटपर्णी की ही प्रजाति है। खासियाना प्रजाति पाई जाती है जो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन एक्सक्रेशन जो होता है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन की बात कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा उत्सर्जन एक्सक्रेशन से संबंधित असत्य शब्द को आपको चुनना है। तो ध्यान रखेंगे इसका असत्य शब्द जो आ जाएगा, यह शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल, यूरिया, यहां पे सुधारेंगे, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड उत्सर्जी पदार्थ होता है। यह भी सही है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। तीसरा होता है मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में करते हैं, क्या यह सही है? जी नहीं, मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में नहीं करता है बल्कि यूरिया के रूप में करता है, यूरियोटेलिक होता है मनुष्य, अतः नाइट्रोजन का उत्सर्जन जो होता है वो यूरिया के रूप में करता है ना कि यूरिक एसिड के रूप में। क्लियर। तो स्तनधारी और अधिकांश उभयचर जो होते हैं, उभयचर में मेंढक और कछुआ को शामिल किया जाता है, तो स्तनधारी यानी मैमेलिया और उभयचर प्राणी जो होते हैं वो नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं। इसलिए ऐसे जीव को यानी उभयचर वर्ग को और एम्फीबियंस वर्ग को एवं मैमेलिया वर्ग को यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्लियर, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर। दूसरा आता है पीसेस वर्ग, पीसेस वर्ग में अमोनिया का उत्सर्जन होता है अपशिष्ट के रूप में, इसलिए इसे एमेनोटॉलिक के रूप में जाना जाता है। यूरिया का, यूरिक एसिड का उत्सर्जन जो होता है वो यूरिकोटेलिक के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और यह पक्षी, सरीसृप और कीटों में होता है। इतना तो समझ गए। तो आपका असत्य कथन जो है वो ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन है। चौथा है उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के रूप में बांटा गया है। ध्यान रखेंगे एमिनोटेलिक के अंतर्गत शामिल किसको किसको किया जाता है, पीसेस वर्ग को, पीसेस वर्ग को, यूरियोटेलिक के रूप में मैमेलिया को, मैमेलिया को और एम्फीबिया को, एम्फीबिया को, जबकि यूरिकोटेलिक के रूप में शामिल किया जाता है पक्षी वर्ग को, सरीसृप को और कीट को। पक्षी एविस क्लास जिसे कहा जाता है, सरीसृप रेप्टिलिया, सरीसृप और इसके अंतर्गत कीट को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। पेरिस एक राजधानी और इस राजधानी में एक शहर है
लियोन्स, लियोन्स जो कि फ्रांस में ही है, यहां स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। इंटरपोल का पूरा रूप अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। अच्छा क्रिमिनल नहीं दिए, क्रिमिनल होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। क्लियर है। वर्तमान समय में इसके सदस्य देश जो है वो 195 सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है कहां, राज्य की बात किया है, यहां पे ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत कहां किया जा सकता है, तो राज्य में धन विधेयक विधानसभा में, विधानमंडल का भाग होता है विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा में जो है वहां धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, और विधानसभा में जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात किया जाए अनुच्छेद 198 में किया गया है, जबकि केंद्र में धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या रहा है, तो इसका आशय है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। क्लियर, बाध्यकारी होता है। अच्छा ये अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है उसके किसी भी निर्णय के लिए, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 अनुच्छेद में कहा गया है अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का दर्जा देता है सर्वोच्च न्यायालय को, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होने का दर्जा प्रदान करता है जो कि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, इसी का निर्णय सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा तथा इसके अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है किस किरण का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का प्रयोग सीटी स्कैन करने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन का पूरा रूप होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी सीटी स्कैन होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि परीक्षण की एक विधि ऐसी है जिसमें से एक्स किरण एवं कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा मानव शरीर के अंगों का और उसके अस्थियों आदि का चित्र बना लिया जाता है। क्लियर, चित्र बना लिया जाता है ताकि अच्छे से अवलोकन शरीर का किया जा सके, और इसमें एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर नेहरू यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। एक है इंडिया आफ्टर नेहरू और एक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी जिसके लेखक है रामचंद्र गुहा, इसके राइटर है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप सिंह, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो सही सुमेलित नहीं किया गया है ध्यान देंगे, तवांग मठ कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में, सासूर मठ हिमाचल प्रदेश में, घूम मठ जो है वो सिक्किम में नहीं स्थित होके ये वेस्ट बंगाल में घूम मठ स्थित है, कहां
दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में घूम मठ स्थित है जो मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा के लिए जाना जाता है। मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा हेतु इसे फेमस है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उस पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है, यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यह कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, Cu into OH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 होता है, यही दोनों पदार्थ उस पर जमा हो जाता है जिसके कारण से हरा दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां पे गया नहीं है, ऑप्शन में यहां पे करेंगे सुधार। क्वेश्चन में गाय के दूध पर रंग पीला सफेद किस कारण से होता है? ध्यान दीजिएगा, पीला सफेद, अब पीला रंग स्पेशियली बात किया जाए तो गाय के दूध में पीला रंग जो होता है वह कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन सफेद रंग जो होता है वह होता है कैसीन के कारण। तो कैसीन के कारण जो होता है वो सफेद होता है, और कैरोटीन के कारण जो होता है वो होता है पीला। तो कैरोटीन और कैसीन जो होता है वो दोनों उत्तरदायी होते हैं पीला सफेद होने का, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि क्रम के अनुसार कैरोटीन इधर होना चाहिए और कैसीन इधर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? रासायनिक प्रकृति उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, क्योंकि यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे तत्वों के साथ बाइकोष में मौजूद तत्वों में रहते हैं और दूसरे तत्वों के साथ ये संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो रासायनिक प्रकृति के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार कौन सा नहीं होता है? तो ध्यान देंगे, पूर्ण भोजी पोषण होता है, परजीवी पोषण भी होता है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके तहत भोजन तैयार किया जाता है, यह एक पोषण नहीं है, और मृतोपजीवी पोषण है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन तैयार किया जाता है, यह कोई पोषण है नहीं, पोषण की विधि है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पूर्ण भोजी पोषण जो होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस जो होता है इसको होलोजोइक न्यूट्रिशंस इसे कहा जाता है। क्या होता है? तो पौधे एवं जंतु से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा सरल रूप में ग्रहण करने की जो विधि होती है, ठोस प्लस तरल रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि जो होती है वो पूर्ण भोजी पोषण के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को और अपमार्जक जंतु पाए जाते हैं, जबकि परजीवी जो होते हैं, ध्यान देंगे, पारासाइटिक न्यूट्रिशंस जो होता है, पारासाइटिक न्यूट्रिशंस जो होता है उस पर ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ अस्थाई अथवा अस्थाई संपर्क बना के उसे भोजन की प्राप्ति कर लेता है, इसे ही पारासाइटिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है, और मृत्योपजीवी जो होता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस होता है। क्लियर। और यह सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो पोषण की ऐसी विधि होती है, सभी पोषण की ऐसी विधि होती है जो जंतु, मृत जंतुओं एवं पादप के शरीर में कार्बन पदार्थ का अवशोषण कर लेते हैं, इसे ही सेप्रोजोइक न्यूट्रिशंस विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी, यह पूरब की बेटी जो है वह किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है वो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्य के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रायः चर्चा में रहता है? विश्व व्यापार संगठन हेतु रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? परिवर्तनीय हो गया, तो भारत में रुपया चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता हो गया वो 1994 ईस्वी में चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया था। इसका अर्थ क्या होता है? ये चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय का मतलब होता है कि वस्तु और सेवा के आयात निर्यात पर सकल मुद्रा की बाजार नियंत्रण परिवर्तनीयता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना, यही इसका पूरा रूप समझेंगे तो होगा। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति, इसके लिए तारापोर समिति इसके लिए पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। और इसका गठन जो है वो दो बार किया गया था, एक तो 1997 में तथा दूसरा 2006 में इसका गठन किया गया था इसी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर 301 किससे संबंधित होता है? तो सुपर 301 या इसे ही कहेंगे स्पेशल 301, इसे ही कहा जाता है स्पेशल 301, इसे ही कहा जाता है। यह अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 ईस्वी की एक धारा है। लिखेंगे जरा, अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम, अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम, अधिनियम 1988 ईस्वी में यह एक प्रकार का धारा है। इसके अंतर्गत यह धारा जो है वह अमेरिका को यह अधिकार देता है कि किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही यह कर सकता है अमेरिका। अब ध्यान देंगे, इसे WTO की मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा सुपर 301 को किसके विपरीत माना जाता है, तो WTO की मुक्त व्यापार नीति होता है यह, क्योंकि इसमें एकदम से अमेरिका को यह अधिकार दे देता है कि किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्यवाही किया जा सकता है, जो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुक्त व्यापार नीति जो है उसके विपरीत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में विंटर लाइन की प्रकृति घटना किस नगर में दृश्यमान होती है? विंटर लाइन की प्रकृति घटना जो दृश्यमान होती है वो किस राज्य में होती है? मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है? बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निवल वृद्धि का योग होता है, यही राजकोषीय घाटा का आर्थिक अर्थ होता है, जिसमें से कुल व्यय राजस्व और पूंजीगत तथा कुल प्राप्ति राजस्व और पूंजीगत वाला को आधिक्य से संबंधित होता है। इसे 1 अप्रैल 1997 ईस्वी को सुखमय चक्रवर्ती समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था राजकोषीय घाटे को। तो ध्यान देंगे, 1 अप्रैल 1997 ईस्वी को सुखमय चक्रवर्ती समिति के सिफारिश के आधार पर इसे लागू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैट पहली बार कहां लगाया गया था? वैट का पूरा रूप होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। यह 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को वैट पहली बार लगाया गया था। 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को पहली बार वैट लगाया गया था फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में इसे लागू किया गया था। और ध्यान देंगे, यह वैट जो है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर टैक्स का एग्जाम्पल होता है।
किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य वर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। क्लियर। भारत में कब इसे लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 में भारत में लागू किया गया। भारत में 1 अप्रैल 2005 को इसे भारत में लागू किया गया और 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी ने वैट को प्रतिस्थापित कर दिया। यह वैट जो है भारत में वैट को लागू किया गया कब? तो 1 अप्रैल 2005 में। और इस वैट को वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस कौन किया? 1 जुलाई 2017 को इसे रिप्लेस कौन किया? तो इसे रिप्लेस किया जीएसटी द्वारा रिप्लेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट के ऊपरी उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण तट के रूप में। यह कोंकण तट जो है वह दमन से गोवा तक फैला हुआ है। दमन से गोवा तक फैला हुआ भाग होता है। कोरोमंडल तट की अगर बात करें तो पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है और यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय मैदान पर फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तटीय मैदान को कहा जाता है। मालाबार तट की बात करेंगे तो इसे तो पहले केरल तट भी कहा जाता है इस मालाबार तट को, और यह पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग होता है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग होता है। दक्षिणी भाग होता है यह कहां से कहां तक? तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक है। उत्तरी सरकार का मैदान की बात करें तो यह पूर्वी तट का उत्तरी भाग है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है, और यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के रूप में भारत में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे, यह सर्वाधिक विस्तृत मैदान है, यह सर्वाधिक विस्तृत जंगल है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ वन इसी को कहा जाता है। और इस वन की विशेषता है कि यहाँ के वृक्ष जो है वो सागौन तथा साल यहाँ की प्रमुख वृक्ष के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ अगर सीमा देखते हैं किन किन राज्यों का है, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नाम आता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। तो कुल 9-8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश के साथ आता है। क्लियर। नेपाल के साथ भी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। तो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश। क्लियर। लेकिन अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय से केवल एक ही राज्य टच करता है, वो है असम राज्य। क्लियर। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। लिख लेंगे राजस्थान, दूसरा नाम आता है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश।
क्लियर। राजस्थान के साथ कितने राज्य टच करते हैं, तो राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात टच करता है। पंजाब, हरियाणा दूसरा स्थान, तीसरा आता है उत्तर प्रदेश, यूपी चौथा स्थान आता है राजस्थान के साथ, एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात आता है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष ये विशेष प्रकार के भौमिक तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त विवरण किसके बारे में सही बताया गया है, ये जीव मंडल नीचे या आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा भारत के कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से 12 को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। 18 जैव मंडल में से 12 क्षेत्र को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत, जिसमें नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलई, कंचनजंगा और पन्ना क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। मीठे पानी की कल्पसर योजना, यह सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्योगों की पूर्ति के लिए यह एक तटीय जलाशय जो कि मीठे पानी का है उसका निर्माण किया गया है, निर्माण करने का प्रावधान भी आगे है। इस परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी जो है जो गुजरात में है इसके समीप में 30 किलोमीटर लंबा एक बांध बनाने की परियोजना बनाया गया है और यह एक ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाने वाला कल्पसर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाओं की घाटी कहां स्थित है, मिस्र में है राजाओं की घाटी जिसे बादी एल कूल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, राजाओं की घाटी को बादी एल कूल के नाम से भी जाना जाता है जो कि मिस्र में है। यह घाटी अपनी ऐतिहासिक समृद्धि के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालियारिक द्वीप समूह कहां स्थित है, बालियारिक द्वीप समूह जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है और यह भूमध्य सागर के पश्चिमी में आइबेरियन प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप बालियारिक द्वीप समूह में स्थित किया हुआ है, बालियारिक द्वीप समूह, और यह स्पेन के अधीन है। यह बालियारिक द्वीप समूह किसके अधीन है, अधीन जो है वो स्पेन देश के अधीन है। इसके द्वीप समूह के 4 सबसे बड़े द्वीप और उसे क्रम के रूप में अगर याद रखना चाहे तो मलार्को है, मेनोरका है, इवीजा है, फोरमेनेरा है। इसकी राजधानी की बात करें तो पामा डी मलोरका है। बालियारिक द्वीप समूह की राजधानी पामा डी मलोरका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन सिटी कहां स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत में लैंड्स नदी और पिलांसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित है। सन सिटी जो है वो एलैंड्स नदी तथा पिलांसबर्ग के मध्य स्थित है, यहां पे के मध्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है, तो बलूचिस्तान में जो स्थित है मेहरगढ़ है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, और यहां से पहली बार गेहूं के उपजाने का प्रमाण मेहरगढ़ से ही मिला है। यह नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के संस्कृति इतिहास के लिए यहां से अवशेष प्राप्त होते हैं। कृषि काम करने का पहला प्रमाण जो गेहूं के रूप में मिला है वो 1400 ईसा पूर्व में यहीं से मिला है। तांबा को गलाने का प्रमाण, ध्यान देंगे तांबा के
गलाने का प्रमाण यानी तांबा बनाने का, तांबा गलाने का प्रमाण जो है वो यहीं से मिला है, कृषि कार्य करने का प्रमाण यहीं से मिला, मेहरगढ़ से जो पश्चिमी बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे, अलार कलाम जो महाभिनिष्क्रमण जब बुद्ध का हुआ था, गृह त्याग जब बुद्ध का हुआ था, उस समय ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किया था। अतः इस प्रकार से बुद्ध का पहले गुरु जो थे वो अलार कलाम हुए, और बाद में रुद्रक रामपुत्र 30 से संख्य दर्शन की दीक्षा राजगीर में ग्रहण की। तो पहले गुरु जो हुए, पहले यहां पे लिखेंगे पहले गुरु जो है बुद्ध के वो हुए अलार कलाम, तथा दूसरे दूसरे गुरु जो हुए वो हुए रुद्रक रामपुत्र 30 हुए, जो राजगीर में मिले थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाई से इधर की ओर लिखी जाती थी, इसे ही खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन और कनिंघम इत्यादि विद्वानों को जाता है। खरोष्ठी लिपि का प्रमाण सहवाजगढ़ी और मानसेहरा के बृहद शिलालेख में मिला है। खरोष्ठी लिपि का प्रमाण सहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा से के बृहद शिलालेख से शिलालेख से इसका प्रमाण मिला है। जबकि ध्यान रखेंगे ब्राह्मी लिपि जो था वो बाई से दाई ओर लिखा जाता था, बाई से दाई ओर लिखा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो आदि शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के संस्थापक के रूप में इनके द्वारा माना जाता है, जिसने उपनिषदों वेदांत सूत्रों पर कई टीकाएं लिखी तथा अद्वैतवाद का भी समर्थन किया था। इन्होंने चार मठ का निर्माण किया था संप्रदाय के रूप में। चारों मठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका पीठ और शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य लिखने का कार्य शारीरिक शास्त्र के नाम से शंकराचार्य के द्वारा ही किया गया था। अब ध्यान देंगे, रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य को माना जाता है। तो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य के द्वारा माना जाता है, और इनके द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना किया गया था वह सिरी संप्रदाय था। क्लियर। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया था, द्वैतवाद का प्रचार प्रसार द्वैतवाद का संस्थापक माधवाचार्य को माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसी में और नाम आता है शुद्धा द्वैतवाद, इसी में नाम आता है शुद्धा द्वैतवाद। तो शुद्धा द्वैतवाद के संस्थापक विष्णु स्वामी थे, और इनके द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना हुए वो रुद्र संप्रदाय था, तथा एक था द्वैतवाद के संस्थापक निम्बार्कचार्य थे, तथा इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? जेजाक भुक्ति एक जगह का नाम है, और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति के रूप में जाना जाता है।
ध्यान दीजिएगा, चंदेल अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पूर्ववर्ती नरेश बाकपति के पुत्र जय शक्ति का उल्लेख इसी में किया गया है। यह जेजाक और जेजा नाम से प्रसिद्ध था, इस कारण से इस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनाया था? ध्यान देंगे, यह बनाया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। जनहित कार्य के लिए काफी कार्य इन्होंने किया, ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में भी यह प्रसिद्ध रहा, ब्राह्मणों का विरोध किया था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू करने वाला शासक था दिल्ली सल्तनत का। इन्होंने जन कल्याण के लिए दीवान ए खैरात जो कि असहाय एवं गरीबों की मदद करने के लिए स्थापना किया था, दीवान ए बंदगान जो दास विभाग बनाया, दारुल सफा यानी सरकारी अस्पताल बनाया और दफ्तर ए रोजगार की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जनहित कार्य के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहां की रानी थी? मंडला की रानी थी दुर्गावती। ध्यान दीजिएगा, बात है 1564 ईस्वी की, बात 1564 ईस्वी की है। अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध किया था अकबर के साथ। हालांकि दुर्गावती का हार हो गया था, अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करने के लिए क्या कहा कि रानी के प्रिय सफेद हाथी जो नाम था जिसका नाम सरमन था और उनके विश्वस्त वजीर जो थे, प्रधानमंत्री जो थे आधार सिंह को भेंट करने के लिए अकबर ने कहा था, लेकिन रानी दुर्गावती इसका विरोध कर दी थी, नहीं ऐसा किया था। तो ये मंडला की रानी थी और ये मंडला मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दिया गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है और इसे इस कथन से संबोधित विलियम पिट ने किया था। विलियम पिट द्वारा दिया गया उपाधि था। विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ध्यान देंगे तो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल जो रहा 1757 से 1760 ईस्वी में और बाद में 1765 से 1767 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा था गवर्नर जनरल के रूप में। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बना तथा बंगाल में द्वैध शासन को भी इन्होंने 1765 से 1772 ईस्वी में लागू किया था। क्लियर, जिसे वारेन हेस्टिंग्स बाद में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के लागू होने का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1944 ईस्वी में यह अधिनियम को लागू किया गया था और प्रत्येक 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 24 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियो रामोस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यह किस देश से संबंधित है? ध्यान देंगे, यह स्पेन देश से संबंधित है। रामोस स्पेन के विश्व कप और यूरो विजेता टीम का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता के भूकंप ने किस देश को हिला दिया? ताजिकिस्तान को हिला दिया था। इसका असर चीन और अन्य पड़ोसी देशों में भी महसूस किया गया था। क्लियर। तो ये फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अपनी तैयारी को और बढ़िया से बढ़िया बनाए हुए रखिएगा ताकि एग्जाम तो अपने समय पर आएगा और जाएगा भी, आप पीछे ना रह जाए, इसके लिए उसके लिए प्री तैयारी जरूरी होता है। धन्यवाद, आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में।